Alright, as you know कि आज इस वीडियो में हम टोटल 5 परफॉर्मेक्स के जूते देखने वाले हैं। हमारे पास आ गया हमारा पहला परफॉर्मेक्स का डब्बा। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है 2199 रुपए, which is 2199, जो कि आपको डेफिनेटली इतना पे नहीं करना है क्योंकि ये सारे जो जूते हैं वो अजियो से आ रहे हैं, तो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर परफॉर्मेक्स की कंपनी की बात करें तो एक बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है और बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स फोकस्ड कंपनी है। डेफिनेटली ये जो सारे जूते होने वाले हैं ना, वो स्पोर्ट्स शू होने वाले हैं। बट देख लेते हैं अपने जूते को, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा डिलाइटफुल है और बहुत ज्यादा क्लीन लग रहा है। इस पूरे मेश में बहुत ही अलग अलग आपको पैटर्न्स डिजाइनिंग मिल जाएगी। अगर नीचे इसके सोल की बात करें, बहुत ही ज्यादा कम्फी फोम इसमें यूज किया गया। आप इजिली अपनी उंगलियों से ना इसे प्रेस कर फील कर सकते हो कि आखिर कितना कंफर्टेबल है ये। साइड में ये आउटर सोल आपको व्हाइट कलर का मिलता है, वही नीचे आपको ये पेंटेड मिलेगा सेम ग्रे कलर में एज जैसा इसका अपर बॉडी है। इसके साइड लेसेस में आपको थोड़ी रबर की कोटिंग मिल जाएगी, जिससे क्या होता है कि जब आप लेस टाइट करते हो या फिर खोलते हो तो उससे ना ये आपका फटने का कम चांस रहता है। लेस का कलर सेम आपको ग्रे कलर का मिल जाएगा। परफॉर्मेक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी रेड कलर से। और अगर इसके इनर कुशनिंग की बात करें ना, इसका इनर कुशन आप निकाल सकते हो, व्हाइट कलर का इनर कुशन है। ऊपर बहुत सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पे लगाया गया है, छूने से बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है। परफॉर्मेक्स एक्टिव वेयर के यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी और इसकी थिकनेस ना अच्छी खासी है, फोम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अंदर के अगर इसके बिल्ड डिजाइन की बात करें तो पूरा वेंटिलेटेड डिजाइन बनाया गया है, इजिली अंदर लाइट जा रही है। इससे क्या होगा, वेंटिलेशन अच्छा होगा, पैरों में हवा जाएगी, पैर से स्मेल नहीं आएगी। साइड में यहाँ पर और सिंथेटिक लेदर से ऐसी डिजाइनिंग की गई है, पीछे एक पुल टैप मिल जाएगा और उसी डिजाइनिंग पे आपको परफॉर्मेक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा ना जैसे एडिडास का बूस्ट फोम वाला लुक होता है ना, वैसे यहाँ पर इसके सोल की डिजाइनिंग की गई है। पीछे यहाँ पर और पेंट करके इसके डिजाइन को एनहांस करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप इस वक्त एक बहुत अच्छा डिसेंट स्नीकर या शू खोज रहे हो रनिंग के लिए, एक्टिविटी के लिए, और आपके दिमाग में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का इस वक्त मूड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर समर आ रहा है, तो समर में ना ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स ना अच्छे नहीं लगते। जितना लाइट पहनोगे, पीसफुल पहनोगे ना, उतना खूबसूरत लगेगा आपके पैरों में। इसका इनर कुशन बहुत अच्छा है, आउटर सोल अच्छा है, बॉडी पूरा मेश की है, साइड में इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है और ओवरऑल एक डिसेंट अच्छा जूता है। इसके लिए आप जा सकते हो। हम फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग जूते की तरफ। ऑलराइट, हमारा जो नेक्स्ट जूता है ना, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। क्यों? क्योंकि वही मेरी हर बार की जो दिक्कत है ना, कंपनी ने डब्बा नहीं दिया। इस बार देखो, अजियो का ऐसा पैकेज आया, मैंने सोचा अजियो से आखिर क्या आ गया ऐसा, मैंने तो अभी जूता ऑर्डर किया था और ये जूता इस तरह के पाउच में आया है। सच अ डिसअपॉइंटमेंट। जूता देखो बहुत खूबसूरत है, परफॉर्मेंस के ही तरफ से आता है। ये सारा जो दिक्कत होता है ना, मेनली कहो ना तो अजियो का नहीं होता, इनमें ना बेच रहे सेलर्स की ये गलती होती है और इससे ना ब्रांड को बहुत ज्यादा लॉस होता है क्योंकि वो पर कस्टमर इस हिसाब से ना लूज करते हैं अपनी वैल्यू। लेकिन ओवरऑल अगर इसके जूते की बात करें ना, जूता बहुत अच्छा है। फटाफट अंदर इसके बिल अंदर ठूंस दिया गया था। देखो ऐसे जूतों की सबसे अच्छी खास बात ये होती है ना कि इसे पहनना बहुत आसान होता है क्योंकि ये सॉक्स मटेरियल जैसा पूरा बना होता है ना, तो सॉक्स की तरह आप इसे इजीली पहन सकते हो अपने पैरों में। और साथ ही साथ ऐसे कपड़ों में ना वेंटिलेशन की भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि ये ऑब्वियसली कैनवास से बना हुआ है, तो हवा इजीली अंदर जाती है। तो अगर एक सिंपल वर्ड में कहूं ना, तो ये एक तरह का स्लिप ऑन जूता ही है, लेकिन इसमें बस ऊपर से ना ऐसे करके लेस अटैच कर दिया गया है ऐसे होल के थ्रू। ये पूरा ना मटेरियल कंप्लीटेड है, यहाँ पर कोई ऐसा टंग वंग आपको नहीं मिलता। बस समझ लो कि जैसा स्लिप ऑन जूता होता है बस वैसे ही है। यहाँ पर आपको बस लेस वाली डिजाइन मिल जाएगी जो एक्चुअल यूजेबल है। लेस का भी कलर सेम रेड कलर से है, सेम पैटर्न में आपको लेस भी मिल जाता है। साथ ही साथ अगर इसके ब्रांडिंग की बात करें ना, अंदर आपको परफॉर्मेक्स एक्टिव वेयर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसका इनर सोल हम निकाल नहीं सकते, लेकिन आपको बता दूं छूने से ये पूरा मेमोरी फोम लग रहा है, तो अच्छा क्वालिटी होता है। अगर इसका आउटर सोल की बात करें, बहुत डिफरेंट पीनट टाइप का यहाँ पे डिजाइन बनाया गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और साथ ही साथ व्हाइट है ना, तो रेड के साथ बहुत अच्छे से निकल कर आ रहा है। अगर इसकी कुशनिंग की बात करें तो इजिली आराम से देख लो, उंगलियों से प्रेस हो रहा है, अच्छा रबर फोम इसमें यूज किया गया है। और ऐसे जो जूते होते हैं ना रनिंग के लिए या एक्टिविटी के लिए, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, 600 के आसपास का ये जूता है। और डेफिनेटली आपको अगर अच्छा लग रहा है उसके लिए जा सकते हो। और ये मत समझना ना कि मुझे नहीं मिला डब्बा तो आपको नहीं मिलेगा। पीछे आपको बहुत अजीब टाइप का लेकिन एक पुल टैप मिल जाता है। साथ ही साथ अंदर में भी ना एक परफॉर्मेंस की पैचिंग ऐड की गई है और यहाँ पर इसका MRP लिखा गया है 1299 रुपए। अगर आपको ये जूता अच्छा लगा तो इसके लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग परफॉर्मेंस के जूते की तरफ। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस का जूता हमारे पास आ गया। इस बार थोड़ा सा अलग डब्बा आया है। यहाँ पर फ्रंट में आपको ग्रे कलर मिलेगा, साइड साइड में येलो कलर की फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पर लिखा गया फीट ऑन द ग्राउंड आईज ऑन द प्राइस, यानी दौड़ो और जीत लो। क्या नहीं पता। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें, यहाँ पर लिखा गया है 1799 रुपए। फटाफट निकाले थे जूते को और भाई ये जूता ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे और बहुत ज्यादा लाइट वेट है। सच मानो इसकी वेट ना बहुत
कम है क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना इसका वेट पूरा घटा देता है। सेम वही आपको कैनवस वाली डिजाइनिंग मिल जाएगी और नीचे मिल जाएगा रबर सोल। अगर आपको वो डिजाइन नहीं पसंद आया ना आप इसके लिए जा सकते हो। यहाँ पर साइड में बहुत खूबसूरत तरीके से ना रबर कोटिंग की गई है, बहुत अमेजिंग लग रहा है जूता देखने में। नहीं लग रहा है ये एक सस्ता जूता है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, ब्लैक है पूरा ओवरऑल जूता जिसमें छोटे छोटे आपको ऑरेंज थ्रेड की डिजाइनिंग मिल जाएगी। बहुत ज्यादा खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, ऐसा लगता है ना कि ब्लैक में ना ऑरेंज पेंट ऐसे स्प्लैश कर दिया गया। पीछे आपको परफॉर्मेक्स का लोगो मिल जाएगा, फ्रंट में आपको परफॉर्मेक्स का लोगो मिल जाएगा और यहाँ पर देख लो यहाँ पर लेस के होल्स के साइड साइड भी आपको रबर की कोटिंग मिल जाती है। लेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये सॉक्स टाइप का मटेरियल वाला जूता है, वेंटिलेशन में अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेमोरी फोम नहीं, भाई साहब देख लो कितना ज्यादा थिक सोल है। आई मीन यहाँ से गड्ढा है, इधर से आपको बहुत ज्यादा मोटा लगेगा। और यहाँ पर ब्रीथिंग के लिए देखो यहाँ पर होल्स दिए गए हैं, तो छोटी छोटी चीजों पे ना परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो देखने में ना ये जूता ना बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन देखो कि अंदर का ना सोल कितना जबरदस्त था। साथ ही साथ अगर इसके आउटर सोल की बात करें बहुत छोटे छोटे ग्रूव्स ग्रिप्स मिल जाएंगे आपको और सोल की डिजाइनिंग भी ना थोड़ी शार्प फिन टाइप की है ऐसे पीछे निकला हुआ है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ओवरऑल जूता। फ्लेक्स चेक कर लेते हैं, आराम से आगे फ्रंट की तरफ मुड़ रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। पीछे आपको एक पुल टैप मिल जाएगा, सेम वही आपको डिजाइनिंग मिल जाएगी। अगर इसके कुशनिंग की बात करें बहुत इजीली प्रेस हो रहा है और बहुत प्लेन है, इसमें कोई टेक्सचर नहीं है जो कि अगेन एक नया टेक्सचर क्रिएट करता है और नया लुक क्रिएट करता है। तो भाई ओवरऑल ना इस जूते पे ना कंफर्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और डेफिनेटली एक अच्छा जूता साबित हो सकता है किसी भी कस्टमर के लिए। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम बराबर चलते हैं अपने नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेक्स के जूते की तरफ। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस का जूता है सेम वही ब्लैक बॉक्स जिसमें येलो कलर का परफॉर्मेंस का ब्रांडिंग किया गया है। यहाँ पर अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है 2499 रुपए विच इज 2499 जो कि आपको इतना भी नहीं करना है। यहाँ पर कुछ कुछ फीचर्स मेंशन किया गया है, कंफर्टेबल इन सॉक्स, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, लाइट वेट, एक्सट्रीम कंफर्ट और बहुत सारी अजीब अजीब चीजें जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। बड़ा बड़ा हम इसे निकालते हैं और सब इसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है कितने दिन से गोडाउन में पड़ा हुआ था। के पैरों की नहीं गोडाउन वाली स्मेल होती है ना सड़ी सी, वैसी स्मेल आ रही है दिख रहा है। ऑलराइट, अब जूता अच्छा स्मेल कर रहा है फाइनली। यहाँ पर देख लो इसकी डिजाइनिंग ना और कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इन मेरे बहुत फेवरेट कलर्स में यूज किए गए, ग्रे, एक व्हाइट, एक लाइट कलर का ब्लू यूज किया गया है, बहुत अमेजिंग। और ना थोड़ा सा ना बिजी डिजाइन है, इसमें ना बहुत सारी चीजें हो रही है। ये भी सेम आपको सॉफ्ट मटेरियल वाला मिल जाएगा। देखो चूंकि गर्मी आ रही है ना तो बहुत ज्यादा मेस में यहाँ पर नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रे थ्रेड से एंड ब्लू थ्रेड से पूरी अपर बॉडी इसकी मिल जाएगी, सॉक्स मटेरियल वाली, कैनवस वाली, और ऊपर यहाँ पर रबर की बहुत ज्यादा क्रिस क्रॉस डिजाइनिंग बनाई गई है। ऊपर यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस का मिल जाएगा ब्रांडिंग और इसी क्रिस क्रॉस डिजाइन से क्रॉस क्रॉस होके यहाँ पर आपका लेस टाइट हो जाता है। ऑलराइट सर, ड्यूरिंग टेस्टिंग मैंने एक चीज नोटिस की दोस्तों कि यहाँ पे ना इसका जो रबर वाला पार्ट है ना जहाँ से लेस क्रॉस होता है ये बहुत ही वीक है, इसका रबर बहुत वीक है और देखिए ये ऑलरेडी फटने भी लग गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ये जूते में एक कमजोरी है। यहाँ पर फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ आपको पुल टैप मिलता है, तो आगे से पहनने में आ रही हो दिक्कत या पीछे से फंस रहा हो जूता, इसी में कुछ नहीं रुकेगा आपका रास्ता। ठीक है, मुझे पता है बहुत गंदी राइमिंग थी। तो सेम यहाँ पर वही आपको सोल मिलता है, बहुत अमेजिंग क्वालिटी वाला। इतना अच्छा सोल ना मैंने पूमा के महंगे महंगे जूतों में देखा है। और इस जूते को ना एक तरह से और लाइक किया जा सकता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा चंकी चंकी जूते नहीं पसंद ना तो आप अगेन इसके लिए जा सकते हो। अगर इसके आउटर सोल की बात करें सेम आपको इसमें बहुत सारे ग्रिप्स मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एक और प्रॉफिटेबल चीज क्या है कि यहाँ पर आपको हार्ड रबर का भी काम किया गया है। ये जितने भी ब्लू वाले डॉट्स देख रहे हो ना वो सारा पार्ट हार्ड रबर है, जिसे क्या होता है कि आउटर सोल की जो ड्यूरेबिलिटी है ना बढ़ जाती है क्योंकि ये जो हार्ड रबर है वो जल्दी घिसेगा नहीं, तो आपका ये पार्ट भी जल्दी घिसेगा नहीं। यहाँ पर अगर इसके कुशनिंग की बात करें थोड़ा सा स्टिफ फील हो रहा है मुझे, थोड़ा सा टाइट है, अच्छा बात है, बहुत ज्यादा लचपच होगा, जल्दी घिस जाएगा तो क्या, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है लेकिन डिसेंट है। बीच में देखोगे तो पूरा ब्लू कलर मिल जाएगा आपको, फ्रंट में देखोगे तो ग्रे कलर मिल जाएगा और साथ ही साथ इसका ओवर और लुक ना बहुत ज्यादा अच्छा है, फ्लेक्स भी बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी जो बेस्ट प्राइस लिंक है ना वो तो आपको पता चलेगी भाई, लिंक में जो कि दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। एंड अगेन यहां तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसी डिलाइटफुल जूते के जैसे आप हमारे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हो। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कौन से ब्रांड के जूते एक्सप्लोर करने हैं, हम आपके लिए कर देंगे। ऑलराइट, आ गया हमारे पास नेक्स्ट अगेन लास्ट हमारा परफॉर्मेंस का जूता। इस बार थोड़ी कार्डबोर्ड वाली डिजाइनिंग है, थैंक गॉड। इससे क्या होता है इंक बचता है, प्लास्टिक कम यूज होता है और एनवायरमेंट को नुकसान कम पहुंचता है। फ्रंट में मिल जाएगी परफॉर्मेंस की ब्रांडिंग और साइड में यहाँ पर इसका प्राइस लिखा गया 1299 यानी 1299 जो कि आपको पे नहीं करना मेरे भाई। फटाफट निकालते जूते को, सेम पेपर में आपको सेम आपको कागज में मिल जाती है परफॉर्मेंस की ब्रांडिंग।
इसको निकालते हैं, जूते को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि अगर इसमें क्या खास है। ठीक है, हम थोड़ी स्लो होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। यहाँ पर देख लो, इसकी पूरी अपर बॉडी बनी गई है, ग्रे से पूरी मेश वाली है, इसमें कैनवस नहीं यूज किया गया है। साथ ही साथ नीचे देखोगे ना भैया, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको व्हाइट कलर का सोल, बहुत ही ठीक सोल है, अच्छा सोल है, कम्फर्ट देगा, मजा आएगा, मस्ती में जियोगे, गोवा घूमोगे, टिकट मेरे से मत ले जाना। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि इसकी पूरी अपर बॉडी मिल जाएगी मेश की, साइड में यहाँ पर बहुत अमेजिंग पैटर्न्स बनाए गए हैं प्लास्टिक से, प्लास्टिक की पूरी कोटिंग की गई है, साइड में आपको यहाँ पर लेदर की पूरी फिनिशिंग मिल जाएगी, जिससे क्या होता है ना कि हमारा जो लेस होता है ना वो जल्दी जल्दी पार भी होता है और साथ ही साथ टिकता है, ताकि यहाँ से घिसते घिसते फट के इधर से निकल ना जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रंट में आपको परफॉर्मेक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, साइड में यहाँ पर आपको परफॉर्मेक्स का लोगो मिल जाएगा और ऐसा लगता है ना लोगों की यू टर्न मार रहा गाड़ी, वाह। पीछे आपको एक पुल टैप मिल जाता है और साथ ही साथ पीछे भी आपको मिल जाएगी पूरी लेदर की पैच यहाँ पर, जो कि ओवरऑल जूते को बहुत खूबसूरत बनाती है। अंदर यहाँ पर अगर इसके पैडिंग वैडिंग की बात करें, बहुत अच्छे से कंफर्ट पे ध्यान दिया गया है, कोई भी ऐसा कोना नहीं मिलेगा जहां पर आपको गद्दा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ऐसे ग्लॉसी टाइप की फिनिशिंग दी गई है, जिससे ये थोड़ा झोल क्रिएट करने का कोशिश किया गया है। यहाँ पर एक एयर कुशन बैग है, लेकिन यहाँ पर कोई आपको एयर कुशनिंग नहीं मिलती है, ये पूरा रबर सोल है और अगर इसे उंगलियों से प्रेस करके देखे बहुत इजीली प्रेस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। इनर कुशनिंग में एक बहुत अमेजिंग चीज मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ, अगर निकाल कर दिखा सकूं तो निकल तो नहीं रहा है, चिपका हुआ है पूरे इनर सोल में, यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक, पता नहीं कहाँ कहाँ तक। यहाँ पर छोटे छोटे आपको इनर सोल में होल्स मिल जाएंगे, जिसके ऊपर आपको एक तो कैनवास की पूरी लेयरिंग चढ़ी हुई है, इससे क्या होता है ना कि नीचे सोल से भी ना बहुत ज्यादा एयर आता है। लेकिन अगर इसके ओवरऑल क्वालिटी की बात की जाए ना, तो बहुत अच्छा कमाल का जूता है और देखने में भाई बहुत अमेजिंग लग रहा है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत जबरदस्त है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की यहाँ पर कोई कोशिश नहीं की गई है। इसका टंग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और मुझे बोलने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी जूते थे उसमें तो टंग ही नहीं था, तो अगर टंग नहीं होगा तो बोलने का ढंग नहीं होगा। तो अगर आपको परफॉर्मेंस का जैसा ब्रांड पसंद है, आप अजियो से शॉपिंग करना पसंद करते हो, उसके बड़े बड़े डिस्काउंट्स पाना पसंद करते हो, और आपको ये भी बता दूं कि ये जो वीडियो है अजियो की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है, काश होता भला हो जाता मेरा, लेकिन नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप ऐसे और क्या समर्स में हॉल देखने वाले, वैसे हमारी प्लानिंग तो पूरी भर चुकी है और जगह है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे तो अभी एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेली वीडियो आपके लिए लाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ना। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।